मेरी लड़की शालिनी नीलम चंद नंदनवार, इनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, सर्दी जुकाम और बुखार आया। फिर सोमवार के दिन पैटिया को 2:30 बजे गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती किए। फिर वहाँ रात के 12 बजे तक के रखे, वहाँ कुछ आराम नहीं दिखा, तो नागपुर ले गए सेंटर पॉइंट हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद में टेस्ट वगैरह के लिए, स्वाइन फ्लू का टेस्ट करने के लिए पूना भेजे, तो पूना की रिपोर्ट आने के पहले 4:35 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में रिपोर्ट आई 2 घंटे के बाद में, तो रिपोर्ट में बताया स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है बोले डॉक्टर। हाँ, तो उसके आने के बाद में अभी आज कल भी आई थी वो नर्स वगैरह, और आज आने डॉक्टर की टीम आई 25 तारीख, आज 25 तारीख को, और सबकी टेस्ट वगैरह, खून की टेस्ट किए, और सब पूरे परिवार को गोलियाँ वगैरह दिए, और बोले उसके साथ में जो भी थे बोले उनको भी गोलियाँ वगैरह दे देंगे बोले। अभी जितने हम घर में थे उनको सबको आने गोलियाँ वगैरह दिए, ब्लड वगैरह ये टेस्ट करके ले गए। शालिनी नंदनवार वय 37 वर्षे, या महिलेचा स्वाइन फ्लू आजारामुळे मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आले। सदर ठिकाणी आपलं सर्वे सुरू केलेला असून सहवासितांची तपासणी केलेली आहे व त्यांना प्रतिबंधात्मक औषधोपचार करण्यात आलेला आहे। तसेच आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये स्वाइन फ्लू बाबतचे औषध उपलब्ध असून लोकांमध्ये जनजागृती करण्यात आलेली असून लोकांना स्वाइन फ्लूचे लक्षणे आढळल्यास त्वरित प्राथमिक आरोग्य केंद्र ठाणा येथे संपर्क करण्यास आवाहन करण्यात आलेले आहे। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।